तो और तो मेरे भाई लोग तो कैसे हो यार, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो मैं आ चुका हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईकू 9SE के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो फाइनली आईकू 9SE के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने के लिए मिल गया ऑफिशियली। तो मेरे इस वाले डिवाइस के अंदर मुझे कल ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने के लिए मिल गया था, और मैंने इस वाले डिवाइस को अपडेट कर लिया है। तो क्या कुछ अपडेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, सारा कुछ इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और बात करते हैं अपडेट डिटेल्स के बारे में। तो अपडेट के अंदर आपको कुछ भी मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड्रॉइड 12 की तरह ही आपको यूआई देखने के लिए मिलती है, कुछ भी आपको नया देखने के लिए नहीं मिलता है। सिंपली इस वाले डिवाइस के अंदर सिर्फ यूआई कलर वाले ऑप्शन को ही ऐड कर दिया गया है। बात करें यूआई कलर वाले ऑप्शन का, तो ये वाला ऑप्शन आपको लॉक स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा वॉलपेपर के अंदर। तो सिंपली आपको यहाँ पे आकर इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है, और यहाँ पे आपको काफी सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन वाले कलर को आप नोटिफिकेशन पैनल के अंदर और सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, और यहाँ से आप एप्लीकेशन के कलर को भी चेंज करके यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जिनको आप प्रीसेट के रूप में यूज कर सकते हो, और इस तरह आप कलर को चेंज करके यूआई वाले कलर ऑप्शन को यूज कर सकते हो। बात करें अपडेट के साइज की, तो इस वाले डिवाइस के अंदर आपको 5GB के आसपास अपडेट साइज जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफी बड़ा आपको इस वाले डिवाइस के अंदर अपडेट साइज जो है देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अपडेट की साइज ज्यादा बड़ी होने के बावजूद इस वाले डिवाइस के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड्रॉइड 13 और फंटोस ओएस 13 का अपडेट जो है काफी टाइम से रोल आउट होना शुरू हो चुका है इस वाले डिवाइस के अंदर, और काफी सारे लोगों ने इस वाले डिवाइस को अपडेट कर लिया है, और आपको प्रॉब्लम भी काफी सारी देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि मैंने कमेंट के अंदर पढ़ा है, काफी सारे लोगों को इस वाले डिवाइस के अंदर बैटरी ड्रेनिंग तक का भी इशू देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वाले डिवाइस के अंदर कैसी कुछ परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है वो मैं आपको डिटेल के अंदर वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर आप लोग भी इस वाले डिवाइस की डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं इस वाले डिवाइस की डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बाद। इस वाले डिवाइस के अंदर क्या कुछ डाउनग्रेड देखने के लिए मिलता है, कैमरे के अंदर, बैटरी के अंदर, गेमिंग के अंदर, परफॉर्मेंस, सारी कुछ मैं आपको चेकआउट करके बता दूंगा। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना, मैं जरूर से वीडियो लेके आऊंगा। और आपको अगर अपडेट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नोटिस करने के लिए मिल रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस भाई लोग फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही था। अपडेट के अंदर आपको कुछ भी मेजर चेंजेस जो है देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर बता सकूं। अगर आपके डिवाइस के अंदर अपडेट नहीं आया तो 2-3 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।